लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। کردنه این پرنده های خوبصورت گم کردم برادر من تم زبان فارسی خوب جانتے ہو زبان فارسی شیرین است بله 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 واہ واہ کیا لذیذ ہے کباب ہاں ہاں واقعی لذیذ ہے ابے کھائے گا نہیں کھائے گا تو پچھتائے گا لے کھا اوہ سلام کم زبق خانہ او خاقان خانہ بدوش چور کہیں کا دامال کم زائے نا پھر کڑے دی دامال منیر پاشا دینا قافلے والا او ہو جے پہ جنم بس اسی کا مال چورایا ہے پسند ہے نا بہت پسند ہے مگر ذرا دل سے پرے مہربانی تمہارا بہت بہت مہربانی السلام علیکم جناب علی وعلیکم السلام زبق کیا حال ہے آپ کے زخم کا دن بدن اچھا ہوتا جا رہا ہے زبق اگر تمہارے ابا نے میرے اس دماغ کے زخم کو نہ چیرا ہوتا تو میں اصفہان میں نہیں قبرستان میں ہوتا ابا کے ہاتھوں میں تو خدا نے شفا دی ہے صحیح کہا تم نے مگر تم بھی تو کمال کا کی مجرا ہو جیسا باپ ویسا بیٹا آپ کی ذرہ نوازی کا شکریہ اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ میں نے کہا جناب اجی میں نے کہا جناب آپ نے مجھ سے کچھ کہا فرمائیے واہ بھائی آپ تو ہر سن مولا نظر آتی ہیں ہر زبان کے ماہر ہیں فارسی وارسی پشتو پشتو عربی عربی ہندی ہندی اردو اردو مصری مصری یمنی یمنی ترکی برکی اور آگے آگے واگے گنتے ونتے رہیے پورے اصفہان کے حضور میں تسلیم بجا لاتا ہوں سلمہ فرمائیے زینب کو میرا سلام عرض کر دو اور پیش کر دو کہ حسن کی خدمت میں حاضر ہے محبت کی کلی حسن کی ایک ایک جھلک پر جھوم جاتے ہیں ولی جھوم جاتے ہیں بے وقوف کہیں کا نظر نہیں آتا سپہ سالار صاحب بجلی جب چمکتی ہے کچھ نظر نہیں آتا کیا بکتا ہے کہاں ہے بجلی یہاں چمکی وہاں کڑکی وہ چلی گئی بدتمیز بجلی کی چمک کا پتہ تجھے ابھی چل جائے گا دھار خراب ہو گئی ٹھہریے یہ لیجئے اس سے دھار پھر آ جائے گی حاجی کہاں ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام حاجی حاجی
हाजी 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 हाजी, अजीब लड़का है, न जाने कहां चला गया गाहकों को छोड़कर। हाजी कौन? मेरा बेटा सबक। जी हाँ, जब हम हज को गए थे अल्लाह ने हमारी मुराद वहीं पूरी कर दी थी, इसलिए हम उसे हाजी कहते हैं। हसन शाह, तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत पर फातिहा पढ़ने गया है। जी मैं समझा नहीं। तो सुनो, अल्लाह अल्लाह, ये क्या? उय अल्लाह। हुस्न मांगे दुआ, जो है शाने खुदा, वो भी कब्रों से। क्या मैं पूछ सकता हूँ सखी ने क्या दुआ मांगी है? यही कि ऐ खुदा, तू उस मौज को तूफान से आशना कर दे जो साहिल तक पहुंचने के लिए बेताब है। लेकिन मैं अपनी कश्ती को उसी तूफान में चला रहा हूं जिसका नाम मोहब्बत है। जब आदमी तूफान से गुजरता है तो उसके हाथ अपने आप दुआ के लिए उठ जाते हैं। ऐ परवरदिगारे आलम, तेरे हुजूर में तेरा बंदा सिर्फ एक ही दुआ मांगता है, जो चाहे इम्तहान ले ले, लेकिन मुझे मेरी पाकीज़ा मोहब्बत के साथ मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। सबक, ये कुदरत भी मोहब्बत वालों से कैसा खेल खेल रही है। दिल में मोहब्बत के बीज बो देती है और फिर कहती है कि इस पौधे को लोगों की नजरों से बचा लो, नहीं तो मुरझा जाएगा। ज़ैनब, आखिर हम कब तक लोगों की नजरों से बचते रहेंगे? तुम लोगों की नजरों से बच सकते हो, अल्लाह की निगाह से नहीं। हसनशाह, देख लिए अपने हाजी के करतूत? एक मामूली पेशे वाला हाकिम की बेटी से मोहब्बत की गुस्ताखी करता है। मोहब्बत की दुनिया में सब इंसान बराबर, न कोई बड़ा है न छोटा। बंद करो अपनी बकवास, चल मेरे साथ। दुख्तर हाकिम को अपनी हैसियत का ध्यान रखना चाहिए। क्या सिपे सालार इस्फहान की मोहब्बत आपको जेब नहीं देती? देखा नहीं समझदार बाप ने अपने बेटे के मुंह पर कैसा तमाचा मारा? ऐसा, सुना तुमने, तुम्हारा बेटा दिन दहाड़े चांद को पकड़ना चाहता है, तुम ही ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। सुनती हो? अजी कब से सुन रही हूँ। मेरे हाजी को ऐसे कोस रहे हो जैसे ये हमारा बेटा नहीं दुश्मन हो। पता चलेगा जब शेर और हाथी की टक्कर में ये पिद्दी कुचल कर रह जाएगी। मुझे कोई नहीं कुचल सकता। वाह रे मेरे मिट्टी के शेर, किसकी ताकत पे इतना अकड़ रहे हो? अल्लाह की ताकत पर अम्मा, हम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। हम भी इस्फहान के रहने वाले हैं। और वो इस्फहान का हाकिम है। हाकिम होगा अपने घर का, उसके भी दो हाथ हैं और हमारे भी। मगर उसके इशारे पर 10,000 हाथ तलवारें निकाल लेते हैं, वो तुम्हें नजर नहीं आता? जब वो हमाम का नीलाम कर देगा, घर को आग लगा देगा और तुम्हारे हाजी को। ये बच्चुकनी अच्छी नहीं। हाजी अब तो ज़ैनब से कभी ना मिलना। अम्मा मगर मैं ये बकरी की तरह मैं क्या लगा रखी है? देख बेटा, तेरे बाप के सफेद बालों की इज्जत तेरे हाथ है। अम्मा अब तू ज़ैनब से अपना हाथ उठा ले। मां के दूध की कसम है तुझे।
ये क्या कह दिया तूने अम्मा? ठीक तो कह रही है तुम्हारी माँ, इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। मुझे सिर्फ एक बार जैनब से मिलने की इजाजत दी जाए। किस लिए? अलविदा कहने के लिए। ये नामुमकिन है। अजी क्यों इनकार में हर वक्त सर हिलाते रहते हो? एक बार मिलने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? हुजूर, आपको हाकिमे आला ने याद फरमाया है। अच्छा तुम जाओ, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाकिमे आला। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो गया था हसन जी? ये हैं हमारे मेहमान शाही सौदागर उस्मान शाह। तेरे हमाम की तारीफ करके हम इन्हें यहाँ लाए हैं। जर्रा नवाजी का शुक्रिया। फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? पहले आपकी मालिश कर, ये आज ही तेहरान वापस जाने वाले हैं। तशरीफ लाइए। हाजी ये कैसे हो सकता है, पहले हमारे दरिया दिल हाकिमे आला की मालिश करो। तो आप तशरीफ ले चले। देखो मेरे अजीज, हाकिम से जिद करना अच्छा नहीं होता, और मेहमान का कहा टालना भी मुनासिब नहीं होता, और फिर आप तो मुझसे बड़े हैं। हमारे हमाम में पहुंचे तो सभी एक हुए। माशाल्लाह, खूब कहा। इसे कहते हैं हाजिर जवाबी। कौन हो तुम? जी ये खाकसार का बेटा है जबक। खूब। उस्मान शाह, नीचे दर्जे के लोगों से दूरी रखकर बात करना चाहिए। बेशक, छोटे पेशे वालों को मुंह लगाने से वो अपनी हैसियत भूल जाते हैं। पेशे से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता सिपहसालार साहब। जबक, दुनिया में सिर्फ दो कौमें बसती हैं, इंसान और हैवान। जो अच्छे काम करते हैं वो इंसान, और जो बुरे काम करते हैं वो हैवान से भी बदतर है। मगर सबक, अच्छे और बुरे की पहचान जरा मुश्किल है। मगर नामुमकिन नहीं है। जो मर्द होते हैं वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। दिल के तो मर्द नहीं, मूछ मगर रखते हैं। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। ओ, अब पानी छह से ऊंचा हो गया। ओ मारा। अब पानी वाकई सब से ऊंचा आ गया। देखो हमारी मुलाकात पर पानी भी खुशी से नाच रहा है। नहीं जैनब, आज तो ये तड़प रहा है। हमारी पाक मोहब्बत के जलन में? नहीं, हमारी आखिरी मुलाकात के गम में। सबक, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जैनब? मेरे और तुम्हारे दरमियान अमीरी की एक पथरीली दीवार खड़ी है। इस दीवार को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। मैं अपनी पाकीज़ा मोहब्बत का राज अब्बा जान को बता दूंगी, और मुझे यकीन है कि वो मेरी खुशी को अपनी खुशी समझेंगे। भूलो नहीं जैनब, तुम्हारे वालिद हाकिमे आला हैं, और हाकिम की नजरें हमेशा ऊंचे ओहदे वालों पर ही लगी रहती हैं। इस बात का पता मुझे आज हमाम खाने में लगा। सबक, मुझे भूल जाने की कोशिश करो। लेकिन सबक, मुझे भूल जाओ। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। आएंगी बाहर
की बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएगी हमें। कभी देखी थी बहार कभी हमसे था प्यार जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। वो तेरी दुनिया से दूर क्या गिला। देखो रोए मेरा प्यार कहे दिल की पुकार हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। लड़की महमूद इस्पानी के खानदान पर धब्बा लगा रही है। हुजूर, जैनब की कोई खता नहीं, कसूर तो इस दो कौड़ी के आदमी का है जो अपने आप को हाकिम-ए-आला के बराबर समझता है। ले जाओ इस गुस्ताख को, इसका फैसला मजलिस इंसाफ करेगी। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, उम्मीद है कि आप भी अपना कौल पूरा करेंगे। कासिम, जैनब की शादी तुमसे ही होगी, लेकिन मैंने अगर तुम्हें कॉल न दिया होता तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे चुगलखोर से कभी मंजूर न करता। मैं हाकिम-ए-आला के फैसले के सामने अपना सर झुकाता हूं। खुदा की, मुल्क बादशाह का फैसला मजलिसे इंसाफ का हुक्म हाकिम-ए-आला का। मुजरिम ज़बक ने हाकिम-ए-आला को अपने बराबर का समझा और उनके रुतबे को जलील किया, इसलिए सरजमीन इस्फहान के कानून के मुताबिक ज़बक को घुटनों के बल घसीट कर और कोड़ों से पिटवा कर शहर बदर किया जाता है। मस्कूरा मुजरिम के वालिद हसन शाह ने जानबूझकर अपने गुनहगार बेटे का नाजायज साथ दिया, इसलिए हसन शाह का सर मूंद कर उसे गधे पर सवार किया जाए ताकि आइंदा कोई छोटी कौम का आदमी बड़े लोगों की तौहीन करने की हिम्मत न कर सके। दस्तखत हाकिम-ए-आला महमूद शाह इस्फहानी। मेरी किस्मत फूट गई, रहम करो, सब्र करो बानू, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये सरासर नाइंसाफी है, कसूर मेरा है, मेरे अब्बा को क्यों सजा दी जा रही है? चाहो तो मेरी जान ले लो। जान मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खता नहीं बेटा, किस्मत के लिखे को
खामोशी से बर्दाश्त करना ये भी एक बहादुर की शान है। खामोश मुजरिम, इस बुड्ढे का सर मोड़कर फौरन हाकिमे आला का हुक्म बजा लाया जाए। नहीं, 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 मैंने सारी जिंदगी इंसान खिदमत में गुजारी है, अम्मतियों को मैल से पाक किया, इसके बदले मुझे जलील किया जा रहा है। अल्लाह के लिए इस सजा के बजाय मेरी गर्दन उड़ा दो, बड़ा एहसान होगा। हसन, मजलिस इंसाफ का फैसला हाकिम भी नहीं टाल सकता। मेरे आखिरी फैसले को भी अपनी खूनी आंखों से देख लो। या अल्लाह, ठहरो कासिम, अब मरहूम की मैयत की रस्म के बाद ही ज़बक को सजा दी जाए। इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो बानू। अपना मुंह मादरे वतन की तरफ रख कर चला जा, ताकि तेरी आंखों में वतन की याद रहे और मेरी बूढ़ी आंखों में तेरी तस्वीर बसी रहे। अम्मा, बेटा, अम्मा, अम्मा, परवरदिगार, मेरे सबक की बलाए मुझ पर नाजिल कर दे। अम्मा, प्यारे वतन की खाक के सर गवाह रहना, मैं तुमसे जबरदस्ती जुदा किया जा रहा हूं। Thank you.
शुक्र है अल्लाह का। सरदार देखिए तो क्या खूबी से लड़ रहा है। आओ देखें वो कौन है। ले जाओ इस मर्दूत को, मैं इसे ऐसी सजा दूंगा कि इस जैसे नमक हराम हमेशा के लिए व्रत हासिल करें। शाबाश जबर, तुम सिर्फ जुबान के तेज नहीं तलवार के भी धनी हो। आपने मुझे कैसे पहचाना? उस्मान शाह सौदागर, ये क्या राज है? फिर मारा तुमने, अभी तो मेरा पहला नकाब उतरा, मगर तुम यहां और इस हालत में? ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये कौन था? कभी ये मेरा खास बाजू था, लेकिन आज से कमीना और नमक हराम हो गया। मेरी बेटी समीना को जबरदस्ती उठाकर भाग रहा था। इतने में तुम खुदाई फौजदार बनकर टपट पड़े और हमारे कबीले की इज्जत बचा ली। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जबक को हमारे खेमे में ठहराया जाए, यह हमारा खास मेहमान है। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। शुक्रिया, लेकिन आप? खाकसार, शाहों का शाह, खच्चर शाह। जी? आमतौर पर लोग मुझे खचरालू भी कहते हैं। अब एक खुशोखुरम के बच्चे, सबके सामने मेरी इज्जत लेता, ऐसी लात लगा दूंगा आसमान के तारे नजर आ जाएंगे। को हंसा दिया और तेरे बाप को गिरा दिया ना। चल चल मेरे साथ। फासला जमीन से आसमां तक, लेकिन यकीन ये होता है कि पास बैठी हो। देखते ही इतने घबरा गए, क्यों नहीं? मैं कुछ समझा नहीं बानो।
فاصلہ زمین سے آسمان تک لیکن یقین یہ ہوتا ہے کہ پاس بیٹھے ہو معاف کرنا تمہارے دل کی آواز میرے کانوں میں چلی آئی ضرور کوئی خوش نصیب لڑکی ہوگی جس کی یاد ایک دلیر مرد کے ہوٹوں پر شاعرانہ انداز میں مچھلتی رہتی ہے بڑی گہری نظر ہے آپ کی اس لیے کہ میں بھی ایک عورت کا دل رکھتی ہوں لیجئے آپ کو دیکھ کے میں تو بھول ہی گئی ابا جان آپ کی زبان سے آپ کا افسانہ سننا چاہتے ہیں اور میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ عثمان آگا ڈاکوؤں کے سردار اصفہان میں بھیس بدل کر کیوں آئے تھے عثمانی قبیلے کے بہادروں آج ہمارے لیے دگنی خوشی کا دن ہے ایک تو یہ کہ ہمارے اس نوجوان بہادر زبق نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری لگتے جگر کی عزت بچا لی بلکہ یوں کہو کہ ہمارے قبیلے کی عزت بچا لی انسانیت کی خدمت میرا سب سے بڑا فرض ہے بے شک اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جس مقصد سے خفیہ طور پر ہم اصفہان گئے تھے اس میں کامیاب ہو کر لوٹے ہیں بہادروں اب ہمیں اصفہان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے ہم اصفہان پر حملہ ہاں اصفہان پر حملہ تم بھی تو ہمارا ساتھ دو گے نا لیکن میں کوئی ڈاکو نہیں پھر مارا تم نے بڑے نادان ہو تم اصفہان میرا وطن ہے جہاں تم کو ذلیل کیا گیا تھا تو اس کے بدلے میں مادر وطن کی عزت نہیں لی جا سکتی پھر مارا تم نے ہم تمہاری مادر وطن کو نہیں اٹھا لائیں گے ہم تو صرف اس کے زر زیور جواہرات اتار کر لائیں گے اور اپنے قبیلے والوں کو بانٹ دیں گے سردار کا اقبال سردار کا ستارہ بلند رہے میں ابھی اصفہان سے آ رہا ہوں کیا خبر لائے ہو سارا اصفہان خوشیاں منا رہا ہے کس خوشی میں کل رات سپہ سالار قاسم بیگ کی شادی ہونے والی ہے کس کے ساتھ حاکم اعلیٰ کی بیٹی زینب کے ساتھ زینب کے ساتھ سن لیا بہادرو قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے کل رات کو جب سارا اصفہان شادی کی خوشی میں مدہوش ہوگا تو ہم اچانک ان پر حملہ کر دیں گے سردار میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا شاباش مجھے تم سے یہی امید تھی حملے کی تیاری ہو Thank you.
आज मेरा तुम्हारा हिसाब पूरा हो गया। कौन हो तुम? जिसे तुम एक मामूली और नीचे दर्जे का आदमी समझते थे वो सबक ठाकुर। वो समझा था कि उसने मुझे जान से मार डाला। वो कौन? बेवकूफ सबक। लेकिन उसे पता नहीं कि कासिम अपनी मौत को भी धोखा दे सकता है। अरे अब ये किसे सुन रही है? जान मैं कहता हूँ हाँ वो चली चल। सेना डरो मत महमूद शाह, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता। किस लिए नहीं? इसलिए एक मौके पर मैं तुम्हारा मेहमान बन चुका हूँ। कौन हो तुम? उस्मान शाह सौदागर। हाँ, इस बहान का सौदा करने आया हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वो लोग कौन है? वो जो अपने साथ मेरे लिए इंतजाम का सामान लेकर आए। दगा, दगा, दगा नहीं, तौहीन का बदला। तुमने मुझे चुगलखोर कहा, शादी की इजाजत खुशी से नहीं मजबूरी से दी। कासिम की बेइज्जती करके कोई नहीं बच सकता। मुर्शद, पीरो मुर्शद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मुझसे मुंह क्यों फिरा लिया? इसलिए कि तुमने जो मुझे छुपा रखा है। कौन हो तुम? वही जो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मगर मुर्शद, खुदा के वास्ते बता दो कि जबक की मां कहां है? क्यों? मैं उसके बेटे का पैगाम लेकर आया। मेरे बेटे का पैगाम लाया है? मेरे जबक का पैगाम? कौन है? कौन है मेरे लाल का दोस्त? कौन है? या अल्लाह, आंखें नहीं है बेचारी की, अफसोस अपने हाथों से फोड़ डाली है। हाँ भाई, जो औरत अपने शौहर और बेटे को ना देख सके वो इस दुनिया को देखकर क्या करेगी? तुम बोलते क्यों नहीं मुर्शद? कौन है ये? एक डाकू। डाकू? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हाजी का दोस्त नहीं है। जो मेरी कोख से मदीने में पैदा हुआ था वो डाकुओं का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये तुम्हारे बेटे का पैगाम लाया है बानो। नहीं नहीं, ये कोई जालिम सितम कर रहा है जो मेरे बच्चे के वतन को लूट रहा है। देखो तो देखो, मेरी फूटी हुई आंखें भी मजलूमों पर जुल्म सितम होते देख रही हैं। काश इस वक्त मेरे कान भी बहरे होते या मेरा जबक यहां मौजूद होता तो तुम्हारे खून से इस्फान की जमीन को धो डालता। जाओ, चले जाओ यहां से, खुदा के लिए यहां से चले जाओ।
इस जगह को अपने कदमों से नापाक न करो। बहादुरी का नाम फतेह है, चलो वापस चले। रहोगे? दो दो हकीम इकट्ठे हुए हो और अब तक एक जरा सी नोट नहीं निकाल सकते। सरदार, अगर जरा सी गलती हो गई तो जिंदगी का खतरा है, और न निकाली गई तो जहर इस तरह घुल जाएगा कि मैं मर जाऊंगा। यही ना अब्बा जान, ऐसा ना कहिए अब्बा जान। पगली, तू क्यों रोती है? डाकू तो मौत से आंख मिचौली खेलकर ही जिंदगी गुजारता है। मगर मैं आपको नहीं मरने दूंगा। क्या तुम मौत के फरिश्ते को भी रोक सकते हो? मौत के फरिश्ते को तो कोई नहीं रोक सकता, मगर उसे टक्कर सिर्फ आदम की औलाद ही ले सकती है। इस तीर को मैं निकालूंगा। लेकिन तुम कोई हकीम तो नहीं हो? मैं जर्रा हसन शाह इस्फहानी का बेटा हूँ, और हिकमत हमारे खानदान में चली आई। शाबाश सबक, इसे कहते हैं मर्दानगी। तीर निकालने की तैयारी की जाए। लंगर दीन, वो आईना हमारे सामने रखा जाए। वो किस लिए सरदार? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ज़बक अपने फन में कितना कमाल रखता है। आहा, इसे कहते हैं शेर दिली। सकता वो कौन सा उकदा है जो वाहो नहीं सकता। तदबीर अगर चाहे तो तकदीर बदल जाए, बिगड़े हुए हालात की तस्वीर बदल जाए। इंसान है वही जो किसी काम आ सके, खुद मिट के भी किसी की जिंदगी बचा सके।
शाबाश सबक। खुशियां मनाओ, नए फौजदार सबक ने हमारे प्यारे सरदार की जान बचा ली, इसलिए नाचो। अशर्फियों का आधा हिस्सा गरीबों को तकसीम कर दिया जाए और आधा हमारे कबीले वालों को। सरदार, जेवरात, लिबास, ये जेवरात और लिबास हमारी लख के जिगर को पेश किए जाए। लूटी हुई बारात का माल अपनी बेटी को? फिर मारा तुमने सबक। गरीबों की किस्मत अमीर लूटते हैं और अमीरों की दौलत हम लूटते हैं। अब्बा जान, इस लूट का सहरा इनके सर भी तो है। नहीं, मैं तो खुद लूट के आया हूँ। तू कब समझेगा सबक? फतह उसी की होती है जो बेखौफ तलवार चलाता है। मांग ले, आज की खुशी में जो चाहे मांग ले। अभी नहीं, वक्त आने पर मांग लूंगा। जैसी तेरी मर्जी। सरदार जिंदाबाद। मुसीबतों का पहाड़ उठाकर बल्कि तोड़कर इसे जेर किया है, अब ये मेरी अमानत है। बुद्धुओं का बादशाह। बुद्धू तो बुद्धू सही, बादशाह तो मान लिया। खचरालू, तो क्या तू इसे अपनी लौंडी बनाना चाहता है? तौबा कीजिए सरदार, तौबा कीजिए, मैं खुद इसका गुलाम बनना चाहता हूँ। जा, मंजूर। मगर मुझे मंजूर नहीं। बस 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 बस, अब कुछ नहीं हो सकता, सरदार का हुक्म हो गया। जियो मेरे सरदार, जिंदगी भर जियो। आ चल। एक गया तो दूसरा आया। चल चल चल, उनकी सूरत क्या निशान रह सकती है। सरदार जिंदाबाद। इस हसीना को मैंने गिरफ्तार किया है, लिहाजा मुझे इसके साथ शादी करने की इजाजत दी जाए। जब तुमने इसे गिरफ्तार किया है तो ये तुम्हारी अमानत है। सरदार जिंदाबाद,
जान। ठहरो लंगड़दीन, एक बार इसका पर्दा हटा दे ताकि हम भी तो तेरी दुल्हन को देख ले। माशाल्लाह, अगर इसे हमने पहले देख लिया होता तो ये हमारी हरम सरा। सरदार, क्या है सबक? सबक सरदार, वो वक्त आ गया है, मैं अपना इनाम मांग लूं। तो हमने कभी इनकार किया है? मांग लो। यही हक में इस्फहान की बेटी जैनब है। सुभान अल्लाह, तो यही तुम्हारी महबूबा है? जी हाँ। तब तो ये तुम्हारी अमानत है जबर। ये नामुमकिन है। अगर सरदार ही अपने कौल से फिर गए तो कबीले का एक बार खत्म हो जाएगा। दुरुस्त कहा तुमने, आपने मुझे भी तो कॉल दिया है। तुमने भी दुरुस्त कहा। हम इसका फैसला खुद इस लड़की पर छोड़ते हैं। जैनब, तुम जिसके साथ चाहो शादी कर सकती हो। मैंने जिससे मोहब्बत की वो वतन का दुश्मन नहीं था। जिसने अपनी मादरे वतन की इज्जत नहीं की, जिसने इस्फहान की जमीन को खून से रंग दिया, जिसने औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम होते हुए देखा, ऐसे संगिल से मैं नफरत करती हूँ। जनाब, एक गद्दार और बागी से मोहब्बत करने के बजाय किसी डाकू की गुलामी करना कहीं बेहतर। आजा मेरे साथ। देखो तो क्या गरम पानी, डूब मरो पानी में। गरम पानी से अपना मुंह धो लीजिए। क्यों? गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं धोती तो मेरा मुंह धुला दे। यहाँ क्या कर रही है? सारा दिन रोती फिरती है, घर का कौन काम करेगा? अरे अरे, तुम तो रो रही हो। रो मत, रो मत, कहता हूँ मत रो, रो मत। ज्यादा गर्म पानी और डाल दे अपने खट्टे आलू पर। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम दोबारा मुझ पर हंसेगी। तुम तो बड़े अच्छे हो खचरालू। क्या कहा? खचरालू? तुमने मुझे खचरालू कहा? बस बस, अब मैं सीधा जन्नत में आ गया। मुझसे शादी करेगी तो मैं तेरा गुलाम बन के रहूंगा। मगर एक शर्त। अरे एक क्या, एक लाख, एक हजार। मासूम मलका को उस मनहूस लंगड़दीन के पंजे से छुड़ा दे। बस ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मगर इसके लिए कोई अच्छी सी तरकीब सोचना जरूरी है। अबे बे मौका कहाँ से आके टपक पड़ा? देखता नहीं तरकीब सोच रहा हूँ। जा जा अपना काम कर। आ गए कर। सलमा तरकीब। अरे वाह दोस्त वाह वाह, तूने तो दंग खाई हुई खोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। आ गई तरकीब समझ में आ गई। मगर इस काम में हमें जबक की मदद लेना जरूरी है। अच्छा क्यों बिरादर, आपका क्या ख्याल है?
देखा सलमा, ये भी हाँ कहता है। अरे वाह रे खुशो खुरम वाह, क्या दिमाग पाया है। ला आपको मैं तेरे पैर दबा दूं। कौन हो तुम? जमीन पे रहने वाले, आसमान का हाल जानने वाले। पूछ लो, पूछ लो, अपना अपना हाल पूछ लो। बादशाह बनोगे या फकीर? शादी होगी तो कब होगी? किससे होगी और कैसे होगी? क्या तुम नदीनी हो? हाँ। जरा ठहरना, मैं भी आता हूँ। ओ रोती सूरत, खुश हो यार, हम नजूमी से निकाह का वक्त मुकर्रर करने जा रहे हैं। या उस्ताद जमान, फखरे हिंदुस्तान बलोचिस्तान चीनो जापान, हो जा मेहरबान। बोल मेरी जान, तू कौन है? परी। बोल कहाँ से आई है? आसमान से। दिल का हाल बताएगी? बताऊंगी। जादू जरा दिखाएगी? दिखाऊंगी। तो बता क्या कहती शहजादे की तकदीर? अरे वाह 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 वाह, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है। मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है। है तेरा खोया ये कैसे बुरे हाल में, किसी के काले बाल में, किसी की टेढ़ी चाल में। हुआ है दीवाना तू किसी के ख्याल में, फंसा है कैसे जाल में, तू परी के जमाल में। तूने कैसे जाना के मेरा बुरा हाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है। मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है। देखो तो है कहती ये हाथ की लकीर क्या है, मेरी तकदीर क्या करूं मैं तकदीर क्या। आके ही रहेगा शिकार तेरे तीर में, सोने की जंजीर में ये लिखा तकदीर में। डर न तू बेटा, थोड़े दिनों का सवाल है, तेरी तकदीर का सितारा तेरी तकदीर का सितारा कमाल है। मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है। जैनब, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? अपने गुनाह का कफारा अदा करने। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। आइंदा मैं खुद अपनी सूरत छुपाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वक्त खुदा के लिए मेरे साथ चली चलो। मैंने तुम्हें इस्फहान पहुंचाने का इंतजाम किया। इस्फहान? सोचने का वक्त नहीं है जैनब, जल्दी करो। अच्छा। बांधूंगा मैं सहरा घड़ी, वो कब आएगी, वो मेरी बन जाएगी, मुझे मिल जाएगी। जादू का ये सुरमा तू आंखों से लगा ले, तू मुझे भी मुंडा ले, तू दाढ़ी भी कटा ले। देख फिर कैसा फकीरों का कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है। मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है। जरूर मिलेगी, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है।
है तेरी तकदीर का सितारा कमाल है मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है कमाल है तकदीर का सितारा कमाल है तेरी तकदीर का सितारा कमाल है मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है अरे मिर्ची अरे मिर्ची के बच्चे नंगे उठा इसको अरे मेरी आंखों में मिर्ची डाली अरे उठा मेरी आंखों में मिर्ची डाली अरे क्या कर रहे हो अरे चोर रे नंगे अब तेरी नहीं हमारी तकदीर का सितारा कमाल है अरे वो मेरा शेर खड़ा आ जाओ दोनों नीचे आकर जल्दी से आ जाओ क्या जल्दी आओ जल्दी शोर ना मचाओ अरे चलिए तैयारी करो तैयारी करो चलो जल्दी तैयारी करो हाँ चलो ठीक चल 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 यकीन मानो वो अब भी शरीफ है ओ, तो सबक को जबरदस्ती डाकू बनना पड़ा हाँ उस बेचारे ने अपनी गलती की काफी सजा पा ली है तो मैंने ही उन्हें गलत समझ लिया सबक जरा सुनो तो सुनो क्या अरे रे सलमा अरे भाई कमाल कर रहे हो क्या हो गया है तुझे अरे क्या कमाल कर अरे अरे सलमा छोड़ ना मुझे अरे अरे ये करते क्या हो करते क्या हो ओए अम्मा अम्मा खैर करे ओए अल्लाह नजर नहीं आता रास्ता चलते टकराते हो मैं जी वो खसरालू ने जानबूझ कर ऐसा किया मैं बेखता हूँ फिर भी माफी चाहता हूँ माफी चाहता हूँ लेकिन आप भी तो क्या मेरा मतलब है आप भी तो टकरा गई थी मुझे क्या पड़ी है ये सलमा की शरारत थी सलमा ने क्यों सलमा को क्या पड़ी थी हाँ तुम ही बताओ ना अच्छा ठहरो मैं सलमा से पूछ कर आता उस शरीर के पास मत जाना अच्छा तो खजरालू से पूछ लूँ बड़े भोले हो इतना भी नहीं समझते उन दोनों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है जानबूझकर मैं पूछता हूँ क्यों आप बेफिक्र रहें अपने वादे के मुताबिक मैं आपको इस्फहान पहुंचा दूंगा आप परेशान ना हो लेकिन लेकिन सबक सबक सलमा ने मुझे सारी हकीकत सुना दी है कैसी हकीकत अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना करो मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था लेकिन 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 कुछ नहीं अब तो मैं तुम्हें जान गई तुझको मैं जान गई मान या ना मान वही वही ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही तुझको मैं जान गई मान या ना मान वही वही ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही 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 कहाँ से तुमसी हसीना मिलने का होता है कोई तो बहाना अच्छी ये आज हुई जान पहचान वही वही तुझको मैं जान गई मान या ना मान वही वही ये
तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही तमन्ना दिल में तुम्हारे अब तो तमन्ना वही है हमारी तुम पे ये जान भी कुर्बान मेरी जान वही वही तुझको मैं जान गई मान या न मान वही वही ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही वही तुझको मैं जान गई मान या न मान वही वही ये तो है आपका एहसान मेरी जान वही 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 अरे ये सब तो मेरी अजीज है क्या कहा नाहक चिल्लाती हो मैंने कहा समीना की जनानी फौज है बकवास बंद करो बाप रे फौज बिगड़ गई ले चला इन सबको अपनी मलका के सामने तुम भी गद्दार निकले दुश्मन की लड़की को भगाने में मदद दी कल तुम सब कब्बा हुजूर के सामने पेश किया जाएगा और दरबार में तुम्हारे गुनाहों का फैसला होगा समीना समीना एक बार मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी आज तुम हमारी इज्जत बचा सकती हो तुम्हें कुछ नहीं होगा सिर्फ जैनब को और मैं जैनब ही के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैला रहा हूं तुझे और की तमन्ना मुझे तेरी आरजू है नहीं समीना मैं जैनब को इस्फहान पहुंचाकर अपना गुनाह धो डालना चाहता हूं सिर्फ एक बार मेरा साथ दो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा मेरे पास राय क्या है बहुत कुछ बहुत कुछ तो मांग लो सच आजमा लो जैनब आजाद हो सकती है अगर तुम यहां रहना कबूल करो तो कबूल मगर उस पे ये राज जाहिर ना होने पाए वरना वरना क्या होगा वो अकेली इस फान नहीं जाएगी मंजूर है जैनब समीना ने हमारी बात मान ली हम सबको आजाद कर दिया मगर मुझे कुछ वक्त के लिए यहाँ ठहरना पड़ेगा खचरालू तुम और सलमा जैनब को गुलिस्ताने जील ले जाओ मगर तुम कब आओगे आ जाएंगे मैं तो सिर्फ अब्बा जान के शुबे को दूर करने के लिए इनको यहाँ रोक रही हूँ समीना तुमने मेरी मुराद पूरी की है खुदा तुम्हारी भी मुराद पूरी करेगा भैया जबर जल्दी आना जाते हैं Thank you.
जाने कैसा छाने लगा नशा, ये प्यार का थोड़ा थोड़ा आने लगा मजा बाहर का। मैं भी इससे बगलगीर हो जा। तो क्या डूब करना चाहते हो? नहीं नहीं, अब तो मैं तेरे बगैर कहीं भी नहीं जा सकता। अगर अल्लाह मियाँ मुझे जहन्नम में भी भेजना चाहे तो यही कहूँगा, अल्लाह मियाँ मेरी सलमा को भी मेरे साथ भेज दो। तो क्या तुम मुझे जहन्नम भेजना चाहते हो? हाँ, साथ चलेंगे, क्या बात। लाख लाख शुक्र है कि मैं इन मौके पे पहुंच गया। शुक्रिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके कुछ काम आ सका। क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं? जी, मैं हाकिम सहान की बेटी जैनब हूं।
मगर मैं हैरान हूं कि महलों की इस खूबसूरत फूल को जंगल में किस बेदर ने फेंक दिया। आप अच्छे मौके पर आ गए, गिरफ्तार कर लो इस बदतमीज को। शाबाश। शहजादे आली, हुक्म कीजिए, अभी इस बदतमीज लड़की की गर्दन उड़ा दे। ये तो शहजादे यमन है। तब तो आफत में जान है। ये चांद सा चेहरा तो अपने दिल में बसाने के काबिल है। इन्हें शाही महल ले चलो। सरकार, हमें भी ले चलिए। और शहजादा आली, इन दोनों को भी। हमें फूल से मतलब है, कांटों से नहीं। तू वो चालाक लड़की तेरे घर से भाग गई और तू उल्लू की तरह मुंह फैलाए बैठा रहा। सरदार, अगर वो बदमाश खाना बदोश मेरी आंखों में मिर्ची न डाल देता तो मैं उसे इन बाजुओं की ताकत दिखा देता। ये मारा तुमने, मगर वो खतरालू कहाँ? अब्बा हुजूर, जैसे ही जैनब के भाग जाने की खबर मुझे मिली, मैंने फौरन ही खचरालू और सलमा को उसकी तलाश में भेज दिया। शाबाश, इसी को कहते हैं औरत की तदबीर। जबक, हम तुम्हें एक खास जिम्मेदारी सुपुर्द करना चाहते हैं। फरमाइए। इस वाहन के बाद अब हम यमन पर डाका मारेंगे। जबक, तुम वहां खुफिया तौर पर जाने का आज इंतजाम कर लो। कामयाब होने पर हम तुम्हें अपने कबीले का एक खास सरदार बना देंगे और अपनी सबसे कीमती अमानत तुम्हारे हवाले कर देंगे। कीमती अमानत? हाँ, मेरी लगते जिगर। और अगर मैंने आपके पेशे में साथ न दिया तो? फिर मारा तुमने। सबक, शेर का पेशा शिकार खेलना है और डाकू का पेशा डाके डालना है। हर एक को अपना अपना पेशा प्यारा होता है। इंसान का पेशा ईमानदारी। मैं ईमानदारी से प्यार करता हूं और किसी से नहीं। उस्मान आगा से मुंह फेरने वाला जिंदगी से पशेमान होता है। पशेमान तो कब से हूं, अब तो मुझे निजात की तलाश है। गिरफ्तार कर लो इस बागी को। चोट लग गई।
की कछार से शिकार बच के भाग जाए और शेर बैठा रहे, ये नामुमकिन है। मैं अभी उसे गिरफ्तार करके लाता हूँ। सरदार, जख्म गहरा है, पैर बेकार हो जाने का अंदेशा है। और वो जो मेरी इज्जत में दाग लगा गया है। अब्बा जान, इन रगों में भी आपका बहादुर खून दौड़ रहा है। जबक ने आपकी नहीं बल्कि मेरी भी तौहीन की है, मैं उससे बदला लेके रहूंगी। मुझे यमन जाने की इजाजत दी जाए। शाबाश मेरी लगते जिगर। ये तो जबक, ये तो हमारे दोस्त जबक। आ गया ना खचालू। जैनब कहाँ है? जैनब, जैनब कहाँ है? क्यों, जैनब कहाँ है? अफसोस, उन्हें शहजादा यमन अपने शाही माल में उठाकर ले गया है। शहजादा यमन उठा ले गया? या खुदा, तू कैसे कैसे इम्तिहान ले रहा है। क्या तू चाहता है कि मैं शाही गद्दार भी बन जाऊं? सुभान अल्लाह, हम तुम्हारी पसंद की दाद देते हैं परवेज। हमें आज मालूम हुआ कि महमूद शाह इस्फहानी के महल में एक ऐसी शमा रोशन है जो चांद को भी शर्मा दे। आलीजा, ये शमा तो अब बुझने की तमन्ना में जल रही है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? आलीजा, अब तो मुझे मौत बख्श दी जाए। तौबा तौबा, मालूम होता है परवेज ने कोई गुस्ताखी की है। अगर जैनब को गुलिस्तान जील से शाही महल में ले आना गुस्ताखी है तो मैं जरूर कसूरवार हूं अब्बा हुजूर। ये कसूर तुम्हारा नहीं परवेज, जैनब की खूबसूरती का है। मां बदौलत तुम्हें सोचने की मोहलत देते हैं, मगर याद रहे बादशाहों के इरादे बदला नहीं करते। मगर आलीजा, दिलों के फैसले भी तो नहीं बदला करते। माशाल्लाह, खूब कहा। मगर वक्त की रफ्तार दिल के फैसले को भी बदल देती। कनीजो, जैनब को हमारे खास मेहमान सरा में इज्जत के साथ रखा जाए और इसकी हर खुशी पूरी की जाए। ख्याल रहे, जब तक जैनब अपना फैसला न सुना दे परवेज का उस महल में जाना बंद। जरूर वो कोई अच्छी घड़ी थी जब आलीजा ने शहजादे की बात मान ली और शादी मंजूर कर ली। अब तो तुम हमारी मलिका बन जाओगी। मगर तो क्या आप हमारे हसीन जमील शहजादे से मोहब्बत नहीं करती? नहीं, मेरे दिल का मालिक कोई और है। वो खुश नसीब कहाँ है? वो नजरों से दूर, लेकिन उसकी तस्वीर मेरी आंखों में बसी हुई है। जान बची, लाखों पाए, शाही बाग तक तो आप पहुंचे। मगर अब महल में कैसे जाएंगे? जाने वाला जाएगा, हम क्यों जाएं? क्या बहादुर, तुम यहीं ठहरो, मैं जैनब से मिलकर आता हूं। अरक पुरानी यादें तुझे मुबारक नया फसाना, जो हो सके तो न याद करना, जो याद आऊं
कबूल जाना। महलों ने छीन लिया बचपन का प्यार मेरा, हो बचपन का प्यार मेरा। मुझको इल्जाम न दो, कर लो एक बार मेरा, हो कर लो एक बार मेरा। तुम हो फलक पर मैं हूँ जमीन पे, तुमको खबर क्या हमारी। तुम हो फलक पर मैं हूँ जमीन पे, तुमको खबर क्या हमारी। मुझको इल्जाम न दो, कर लो एतबार मेरा, हो कर लो एतबार मेरा। ले चल हमें भी तू साथ अपने, कहती है दिल की सदाएं। ले चल हमें भी तू साथ अपने, कहती है दिल की सदाएं। मुझसे जुदा है मंजिल तुम्हारी, तुमसे जुदा मेरी राहें। महलों ने छीन लिया बचपन का प्यार मेरा, हो बचपन का प्यार मेरा। उलझूंगा ना मैं दामन से तेरे, राहों का एक खार बनके। उलझूंगा ना मैं दामन से तेरे, राहों का एक खार बनके। जैसे रहे हो वैसे रहोगे दिल में मेरे प्यार बनके। मुझको इल्जाम न दो, कर लो एतबार मेरा, हो कर लो एतबार मेरा। महलों ने छीन लिया बचपन का प्यार मेरा, हो बचपन का प्यार मेरा। सबक, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी के बजाय गम क्यों है? क्या हो गया है तुम्हें? इस सुहानी रात में तुम इतने उदास क्यों हो सबक? ज़ैनब, ये सुहानी रात दोबारा मेरी किस्मत से खेल रही है। मैं तुम्हें आखिरी सलाम कहने आया। क्या कहते हो सबक? यही, यमन के होने वाली मलिका के कदमों में अपना दिल कुर्बान करने आया। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हारे दिल के आईने में अपनी मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ सबक, सिर्फ तुम्हारी। तुम भूल जाती हो कि मैं एक डाकू हूँ। मेरे मुकद्दर के बादशाह हो। मैं गद्दार हूँ जो अपने गुनाहों का कफारा अदा कर चुका है। मैं शहजादा नहीं हूँ, लेकिन एक ईमानदार इंसान हूँ। ज़ैनब। सबक, मैं तुम्हारी अमान में हूँ। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ।
मुझे यहाँ से ले चलो जबक, मुझे यहाँ से ले चलो। या खुदा, तू ही मेरा रहनुमा है, मुझे गलत रास्ते पर जाने से बचा ले। सबक, सच्ची मोहब्बत ही इंसान को सही रास्ते पर ले जाती है। जैनब, बादशाह जिल्ले सुभानी वह इंसाफ का रखवाला है, वो तुम्हें अपने बेटे के हाथ सौंप कर मालिका बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। वतन वालों के खून से रंगे हुए ये हाथ तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं रचा सकते, नहीं रचा सकते। ज़ैनब, ज़बक, मुझे माफ कर दो, मुझे भूल जाओ। ज़बक, मेरी बात तो सुनो। ज़बक, ज़बक। सलामत ने तो आपको मना किया था। अब्बा हुजूर का हुक्म बजा लाने की मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हारी जुदाई का गम बुलाने के लिए इस जाम जमशेद का सहारा लिया। लेकिन जितनी ज्यादा पी उतनी तुम्हारी याद आई। अगर आप अपने रुतबे को कायम रखना चाहते हैं तो फौरन यहां से चले जाइए। कितना हसीन गुस्सा है तुम्हारा। कार्रवाई शुरू की जाए। ज़ैनब बिन्त महमूद शाह, हाकमे इस्फहान। ज़ैनब, तुमने अपने बारे में सोच लिया होगा। जी आलीजा। तो आज ही शहजादा परवेज की शादी का मुबारक ऐलान कर दिया जाए। आलीजा जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती थी के बादशाह की खुशी अपनी रियाया की खुशी में है। बादशाह सलामत तुम्हें अपने वलीअहद की दुल्हन बनाना चाहते हैं और तुम आलीजा पर इल्जाम लगा रही हो। नादान लड़की, तुम ताजो तख्त से मुंह मोड़ रही हो, आखिर क्यों? इसलिए आलीजा, दिल की सल्तनत के मुकाबले में सारे जहां की दौलत कुछ नहीं। लेकिन रियाया के साथ साथ बादशाह को अपने बेटे की खुशी का भी ख्याल रखना पड़ता है।
बादशाह अपनी रियाया का बाप होता है और बाप को अपने बेटे की खुशी के लिए किसी बेकस को कुर्बान करने का कोई हक नहीं। लड़की, तू माँ बदौलत की तौहीन कर रही। जैनब, तुमने हमें गलत रास्ते पर जाने से रोका। अपने बेटे की मोहब्बत में बादशाह अपना फर्ज भूल गया था। बेटी, हम तुम्हें जबरदस्ती अपनी बहू नहीं बनाएंगे। मगर अब हुजूर, हमारा फैसला अटल है, ताकि तारीख में यह ना लिखा जाए कि बादशाह ने खुद गर्ज होकर रियाया की बेकस लड़की को कुर्बान कर दिया। अदले शहंशाह, कार्रवाई जारी रखी जाए। बादशाह सलामत के हुजूर में इस्फहान के सिपे सालार आजम कासिम बेग कदम बोसी की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। फरमा बरदार हुकूमत, सिपा सालार इस्फहान मिर्जा कासिम बेग। आलीजा की खिदमत में गुलाम तस्लीम बजा लाता। कहो कासिम, हमारे महबूब इस्फहान का क्या हाल है? जिल्ले लाही, गुलाम दर्द की तस्वीर बनकर इस्फहान का मर्सिया कहने आया है। ऐन उस रात को जब हाकिम-ए-आला की बेटी जैनब के साथ आपके इस खादिम की शादी हो रही थी, डाकुओं ने बेखबर पाकर हमला कर दिया। उनकी ये मजाल, शाह यमन की ये तोहीन। इस्फहान को लूट लिया, रियाया को कत्ल कर दिया, बेबस औरतों को बेवा और मासूम बच्चों को अपने जुल्म सितम का निशाना बना दिया। अफसोस, मेरी मंगेतर को भी उठा ले गए। कासिम बेग, तुम्हारी मंगेतर जैनब इस वक्त दरबार में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आला, इस्फहान की हिफाजत के लिए अपनी फौज को फौरन सरहद से वापस बुला लिया जाए। कासिम बेग, फौज के आते ही तुम अपनी मंगेतर के साथ फौरन इस्फहान वापस लौट जाओ और महमूद शाह इस्फहानी से कहना कि जैनब की शादी में मां बदौलत भी शरीक होंगे। मगर अब्बा हुजूर, खामोश, ये शाही फरमान है। आली जा, एक और दर्दनाक खबर सुनाते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है। उसी मनहूस रात को हमारे अजीज हाकिम आलम महमूद शाह भी डाकुओं के हाथों शहीद हो गए। वाकई हुजूर का सितारा बुलंद है। अरे नहीं, ये तो हमारे सिपह सालार के लाजवाब दिमाग का नतीजा है। अब तो मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब जैनब को मैं अपनी बना लूंगा। उससे पहले तुम्हें मेरी तलवार से मुकाबला करना होगा। जहे किस्मत कि हमें शहजादे का मुकाबला नसीब हुआ। हम अपनी मोहब्बत का फैसला आपस में कर लेंगे। याद रहे, बादशाह सलामत को इस बात का पता न चले। ये भी कबूल है। तो बस, कल सुबह सूरज निकलते ही काले पहाड़ की चोटी पर हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। नहीं कैसे चलेगा, मैं कह देता हूँ नहीं कैसे चलेगी। पानी पी लो, ठंडा हो जाएगा। खच्चर को पानी कौन पिलाता है? जाओ मुंह डुबो कर पी लो। देख सलमा, अगर मुझे खच्चर बनाया तो ऐसी रात मरूंगा। किसी की जान गई और आपकी अदा चली। अरे सर सर सर,
तुम्हें हमारी तलवार पर इतबार नहीं। मेरी तलवार पर यकीन नहीं किया, तुमने मुझे धोखे से गिरा दिया, अब तुम पर रहम करना इंसाफ के खिलाफ। बच गया, जाओ उसका खात्मा कर दो। लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। नहीं दाजिक, इसका जिंदा रहना ही हमारे लिए जरूरी है। ले चलो।
कौन हैं आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? ये तो शहजादा है यमन है। आपने कैसे पहचाना? शाही अंगूठी से। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया। आलीजा, मुझे अफसोस है कि मैं अपने इन दो अफसरों के साथ मौके पर जरा देर से पहुंचा। डाकू हमें देखते ही भाग गए। लेकिन हमारे बहादुर सिपाही सालार ने अपनी जान पर खेलकर इस डाकुओं के सरदार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हम शहजादे की तलाश में निकले, लेकिन अफसोस शहजादे की लाश नदी के बहाव में न जाने कहां से कहां चली गई। मेरे लखते जिगर की जान लेने के बाद तेरी जबान क्यों बंद हो गई? बोलता क्यों नहीं? जबक, तुम अपने बचाव में कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। इसकी खामोशी ही इसके गुनाह का इकरार है। आज मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया, मेरी जिंदगी का चराग बुझ गया। आपका चराग रोशन है। मेरा बेटा जिंदा परवेज। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लाल, अल्लाह पाक की कसम, जिसने तेरा बुरा हाल किया है उसे मैं तड़पा तड़पा के मार डालूंगा। इज मंतशा बतो जिल्ल मंतशा। आलीजा, मैं अब तक यह समझता था कि खुदा मेरे गुनाहों की सजा अजीब गरीब तरीके से दे रहा, मगर नहीं। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। शहजादा सलामत खुद इस बात की गवाही देंगे कि किसने इन पर हमला किया था, मैंने या इस शैतान ने। बदमाश, मैं तेरी जबान का हवलदार। इंसाफ सब्र चाहता है। सही कहा वजीर आजम। बेटा, वो कौन जालिम था जिसने तुम पर वार किया? बेखतर बयान दीजिए शहजादा आलम। शहजादा, मैं कौन हूं? सेमिना, ये सब क्या कह रही है? अफसोस, शहजादा आलम अपनी याददाश्त खो बैठी। आलीजा, असली मुजरिम सिपाही सालार कासिम नहीं बल्कि ये है। खाना बदोश लड़की, ये तू क्या कह रही है? जो मैंने दूर से देखा था, मैं अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे से गुजर रही थी कि कायद पहाड़ की चोटी पर से तलवारों की आवाज आई। मैंने देखा ये जालिम शहजादे से लड़ रहा था, इसने एक धक्का दिया। समीना, और शहजादा चीख मार के नीचे गिर गया, लेकिन वहां खुदा भी था इस ना खुदा के साथ। लेकिन जहां पना मैं। खामोश जालिम, हम तेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। आलीजा, गुस्ताखी माफ, इंसाफ के दामन तक हर फरियादी का हाथ बढ़ सकता है। बोलो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती थी? अब कुछ नहीं, मैं अपनी बेगुनाही का फैसला कुदरत पर छोड़ता हूं। इसके मानी ये हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। ले जाओ इस जालिम को और अगले पीर को चौराहे पर इसे फांसी दे दी जाए।
वाकई हमारे मालिक की किस्मत बहुत तेज है। क्या कहने हैं हुजूर के, शहजादे की अकल गुल और लड़की की नजर गुल। आखिर कमाल लड़की है ना। हंसता है जबकि कोई भी मुझको गमार जानकर, आती है मुझको भी हंसी इतने बड़े गमार पर। समीना, तो क्या तुमने जानबूझकर झूठ बोला था? अब कुछ खला रही तुम्हें भी। लेकिन तुमने मुझे क्यों बचा लिया? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी सलामती की आल लेकर मैं अपने अरमान पूरे कर सकती हूँ। साफ साफ बताओ तुम क्या चाहती हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें तख्त का मालिक बना सकती हूँ। तख्त का मालिक? तो जल्दी बताओ मैं किस तरह बादशाह बन सकता हूँ? मेरे इशारों पर चलने से। मुझे मंजूर है। अपने शहजादे की याददाश्त वापस लाने का कोई इलाज नहीं हकीम साहब। गुस्ताखी माफ आलीजा, एक ही इलाज। फरमाइए हकीम साहब, खुदा के लिए जल्द फरमाइए। शहजादे को जैनब से मोहब्बत थी, अगर किसी खास अंदाज से जैनब को इनके सामने पेश किया जाए तो मुमकिन है याददाश्त वापस आ जाए। समीना, हम ये इज्जत तुम्हें बख्शते हैं, इंतजाम किया जाए। जो हुक्म आलीजा। समीना, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। समीना, ये तुमने क्या किया? सबक पर गलत इल्जाम क्यों लगाया? ओहो, मोहब्बत कितनी तड़प रही है। मोहब्बत का दूसरा नाम ही तड़प है। समीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि सबक बेगुनाह है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि सबक ने शहजादे पे वार नहीं किया? उस वक्त तो तुम महल में आराम कर रही थी। मेरा दिल गवाही दे रहा है, सबक किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। सच तो ये है कि जबक धोखेबाज साबित हुआ। रहम करो समीना, खुदा के लिए रहम करो। रहम? रहम किस पर करूं? जिसने मेरे दिल को जलाकर खाक कर दिया, उस पर? नहीं जैनब, जबक अगर मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं होगा। समीना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम भी तो औरत का दिल रखती हो। फिक्र मत करो जैनब, तुम्हारी शादी शहजादे से नहीं होगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। बहुत सी बातें तुम नहीं समझ सकती। Thank you.
सेमिना, मेरी सेमिना। शहजादे, ये जैनब है। कौन सैनब? सेमिना कौन? कौन से? अफसोस, तमाम कोशिशें बेकार गईं। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। आलीजा, अब ये इलाज दवा से नहीं बल्कि नश्तर से ही हो सकता है, मगर मगर क्या? ये काम हम जैसे हकीमों का नहीं है, कोई तजुर्बाकार जर्रा ही कर सकता है। तो सारे शहर में ऐलान कर दिया जाए कि जो शख्स शहजादे की याददाश्त वापस लाने में कामयाब होगा उसे माँ बदौलत मुंह मांगा इनाम देंगे। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, वो पूरी की जाएगी। इस्फहान में मेरी मां रहती है, उससे कहला दिया जाए कि तेरे बेटे ने जो गुनाह नहीं किया है उसकी सजा पा रहा है, लेकिन मेरा जमीर कहता है कि मैंने अपने मादर वतन पर जो हमला किया था उस गुनाह का कफारा अदा कर रहा हूं। खलकत खुदा की, हुकूमत बादशाह की, हर खास आम को इत्तला दी जाती है कि शाह यमन के फर्जंद अर्जुमन शहजादा परवेज दिमागी बीमारी में मुब्तला है। जो कोई उनका इलाज करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। है कोई खुदा का बंदा जो सल्तनत यमन के बुझते हुए चिराग को फिर से रोशन कर दे? कौन समझेगा तेरी कुदरत को? वजीर आजम, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये इलाज कर सकता हूँ। वजीर आला, ये बदमाश अपनी जान बचाने के लिए नई चाल चल रहा है। मुझे अपनी जान से अपना कौल ज्यादा प्यारा है। मैंने अपने मरहूम बाप से हिकमत सीखी। उसका नाम क्या था? हसन शाह इस्फहानी। वो मशहूर व मारूफ हकीम व जर्राह, हमाम चलाने वाला एक नाचीज जो अपने गुनाहों की सजा मौत की सूरत में पा चुका। गुजरी हुई बातों से हमें कोई मतलब नहीं। अगर जबक हसन शाह इस्फहानी का बेटा है तो ये जरूर यमन की मुश्किल आसान कर सकता है। लेकिन तुम्हें तो फांसी की सजा दी गई है। वो मैं एक ही शर्त पर मुलतवी कर सकता हूँ कि तुम्हारी कोई जमानत दे दे। मैं देता हूं। तो एक शर्त और भी है। एक क्या? 1000 शर्तें मंजूर हैं। तो सुनो, अगर जबक नाकाम रहा तो इसके साथ तुम्हें भी फांसी दी जाएगी। तो क्या मेरा भी डब्बा गुल हो जाएगा? हुजूर, मुझे मंजूर नहीं। तू क्या, तेरे बाप को भी मंजूर करना पड़ेगा। तो बुला ले मेरे बाप को। वजीर आला, अगर इस बुजदिल को ये शर्त मंजूर नहीं तो मुझे मंजूर, मैं जमानत देती हूँ। नहीं नहीं सलमा, खुदा ना खास्ता कहीं तो फांसी का तख्ते पे लटक गई तो मैं जिंदगी भर लटकता रह जाऊंगा। हुजूर, मंजूर। छोड़ दो जबक को। जबक, तुम्हें यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे? इंसान के यकीन से क्या होता है वजीर आजम, अगर खुदा उसका साथ न दे। सुन लीजिए, अभी से जान बचाने का रास्ता निकाल रहा। अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। वजीर आजम, मुझे इन बादलों की ही जरूरत थी। बादल? जी हाँ, अगर इन बादलों में बिजली चमक जाए तो मैं उस बिजली को अपनी हिकमत से बांधकर शहजादे की अंधेरी याददाश्त को चमका दूं। ऐ आसमानों के मालिक, मेरी मदद कर। गरीबों की भर लाने वाले मुस
मुसीबत में सबके ही काम आने वाले, फकीरों के दाता यतीमों के मौला, ओ अपने पराए का गम खाने वाले, हमको भी दे दे सहारा दो जहां के बादशाह, आसरा है एक तुम्हारा दो जहां के बादशाह, हमको भी दे दे सहारा। हकीम दर्द जाने तू हमारा दो जहां के बादशाह, हमको भी दे दे सहारा। मुश्किल है जिसको तूने आसाना किया, तेरे दर पे जो भी आया उसका दामन भर दिया, तू समंदर तू किनारा दो जहां के बादशाह, हम कभी दे दे सहारा दो जहां के बादशाह। वक्त से चल रही है, इंशाअल्लाह अभी होश आ जाएगा। हकीम साहब, ये सब क्या माजरा है तुमसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी याददाश्त वापस आ गई। अब्बा हुजूर कहाँ है? शहजादे, सब्र कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। मुबारक मुबारक। शहजादे की याददाश्त वापस आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मुंह मोतियों से भर दो, गरीबों के दामन भर दो, शाही मस्जिद में चराग जला दो, सारे शहर को रोशनी से मुनव्वर कर दो, एक आलीशान जश्न का इंतजाम कर दिया जाए, जाओ खुशियां मनाओ। खुदा ने हमारी दुआ कबूल फरमाई। जाओ 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 जाओ, जल्दी चलिए, सबक को मुबारकबाद दीजिए, जल्दी चलिए। अब तो हम मर गए, अब क्या किया जाए? तुम ही बताओ समीना। घबराओ नहीं, अब भी हमारा आखिरी दांव बाकी है, मैं जो कहती हूँ उस पे अमल करो। सुनो सुभान अल्लाह, ज़बक वाकई तुम अपने फन में कामिल निकले। क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो हमारे खुदाई फाजदार हैं, अगर कामयाब न होते तो हम फांसी के तख्ते पे लटक जाते। मैं क्या कर सकता था अगर खुदा की इनायत न होती। अलीजा, अब शहजादे से खुद पूछ लीजिए इनका कातिल कौन था। और कौन?
وہی غدار قاسم بیگ اور اس کے ساتھی انہوں نے مجھے پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کر گرا دیا تھا ابھی میں جاتا ہوں ان سے بدلہ لینے نہیں شہزادے فی الحال آپ کو آرام کی ضرورت ہے زبر تم ان کی دیکھ بھال کرو شہزادے تم آرام کرو لیٹ وزیر اعلیٰ ہم اپنے شہزادے پر حملہ کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دیں گے وہ آ گئے چلو قاسم اب میں نے تجھے پہچان لیا چل ہٹ بڑی آئی پہچاننے والی تو دھوکے باز نکلا میں تجھے نہیں جانے دوں گی بادشاہ سلامت کو تیرا راز بتا کر ہی رہوں گی ہٹ جا لڑکی غدار ہاتھ سے نکل گئے سمینہ یہ سب کیا ہے مجھے معاف کر دیجیے علی جان مجھے معاف کر دیجیے میں گناہ گار ہوں قصوروار ہوں مجھے معاف کر دیجیے سمینہ آخر بات کیا ہے صاف صاف بیان کرو ہم تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں علی جان جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو میں نے قاسم ان کے ساتھیوں کو تنہائی میں باتیں کرتے سنا تب پتا چلا کہ میری آنکھوں نے دھوکا کھایا شہزادے کو زبق نے نہیں بلکہ بدماش قاسم نے پہاڑ سے ڈھکیل دیا تھا میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تاکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں لیکن افسوس کہ ناکام رہی مجھے معاف کر دیجیے علی جان مجھے معاف کر دیجیے واقعی تم نے بہت بڑی بھول کی تھی چونکہ تم اپنے کیے پہ شرمندہ ہو اس لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے علی جا کا اقبال بلند ہو مجھے تو کچھ دال میں کالا نظر آتا ایک نشتر میرے سینے میں بھی لگا دو زینب یہ نشتر تو مریضوں کے لیے ہے مجھ سے بڑا مریض اور کون ملے گا یہ کیا کہتی ہو زینب تم آدمی کے کلیجے سے تیر نکال سکتے ہو کیا میرے سینے سے دل نہیں نکال سکتے دل خدا کا گھر ہے جس کی بنیاد محبت پر ہے اگر وہ بنیاد ہی ڈگمگا جائے تو دل کی حقیقت کیا ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم یمن کی ہونے والی ملکہ ہو یوں کہو کہ میں تقدیر کا کھلونا ہوں زینب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو جبکہ بادشاہ سلامت خود اس بات کا فیصلہ کر چکے سبق میں بادشاہ سلامت کا ہی فیصلہ چاہتی ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں سب کچھ میں سمجھا نہیں وعدہ کرو تو میں سمجھائی دیتی ہوں عثمان آغا کے لیے اصفہان لوٹ سکتے ہو بادشاہ سلامت کے لیے اپنی محبت قربان کر سکتے ہو میرے لیے ایک وعدہ بھی نہیں کر سکتے بس کرو زینب بس کرو میں وعدہ کرتا ہوں کل شہزادے کی یاداشت واپس آنے کی خوشی میں جو جشن ہونے والا ہے میں چاہتی ہوں اس خوشی کے موقع پر تم بادشاہ سلامت سے اپنی دلہن مانگ لو خاموش ہو گئے اتنی جلدی اپنا وعدہ بھول گئے میں بادشاہ سلامت سے اپنی دلہن مانگ لوں گا
मरहबा समीना, हम तुम्हारे नाच से बहुत खुश हुए। वाकई समीना ने न सिर्फ अपने फन का कमाल दिखाया है बल्कि आज की इस खुशी में इसने दोस्त और दुश्मन को भी एक कर दिया है। लेकिन जबर, अगर तुम ना होते तो आज की खुशी खुशी ना होती। जो चाहो मांग लो। आली जा, मैं आपसे ऐसी चीज मांगना चाहता हूं जिससे वतन की शान और आपका इकबाल दोनों कायम रहे। मैं आपसे दुल्हन मांगता हूं। दुल्हन? लेकिन अब्बा हुजूर, सब्र करो बेटे, हमें जबा की मांग पूरी कर लेने दो। शुक्रिया आलमपना। ये है मेरी दुल्हन। जबक, ये तुमने क्या कह दिया? जो तकदीर ने मुझे कहने पर मजबूर किया। हमने तुम्हें दुल्हन बख्श दी। समीना और जबक की शादी हम खुद करेंगे। नहीं आलमपना, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन हमने तुम्हारा गुनाह तो कब से माफ कर दिया। जबक, तुम इंसान के पर्दे में फरिश्ता हो। आली जा, मैं हवस में अंधी हो गई थी, डायन बन गई थी। आपके एहसानों के बदले में मैंने दगा की। वतन के दुश्मनों को यहाँ बुलाया। उनको रोक दो, उनको रोक दो आली जा, वरना वो सब यहाँ आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं, बल्कि आ गए। कासिम, दगाबाज। जो तख्त पर कब्जा कर लेता है वो दगाबाज नहीं बादशाह कहलाता है। और अब ये तख्त मेरा है। कासिम, हट जाओ, ये शिकार मेरा है। किस्मत ने आज हम दोनों को फिर से टकरा दिया है। आसिम, आज तेरी किस्मत तुझे मौत के फरिश्ते के पास बुला रही है। मुझे छोड़ के न जाना। समीना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी हिकमत से तुम्हें जिंदा रखूंगा। आंखें खोलो समीना। मेरी आंखें तो उसी वक्त खोल दी जबकि तुमने वतन के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। अब तुम्हें ये आंखें हमेशा के लिए बंद किए लेती हूँ। अब्बा जान, अलविदा। अफसोस, इस औलाद के लिए मैं तख्त और ताज हासिल करना चाहता था, वही छोड़कर चली गई। मेरी तमाम तदबीरें नाकाम हो गई। तुम ये भूल गए
کہ تقدیر کے آگے تدبیر کچھ نہیں کر سکتی لیکن میری تدبیر کے سامنے تقدیر بھی جھک گئی Yeah.
जवाब। आज मुझे पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इंसानियत है। मुझे माफ कर दो सबक, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो। वजीर आजम, जबक को बाइज्जत इस्फहान रवाना किया जाए। कहाँ जा रही हो? अपने हाजी के पास। आंखों से मजबूर हो, गिर जाओगी। मेरा लाल आ रहा है। अरे अम्मा, उन्हें कहीं अनहोनी ना हो जाए। अम्मा, मेरा सबक। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी अम्मा। मेरा बेटा मुझे मिल गया। इतना ही नहीं, बल्कि इस फहान को नया हाकिम भी मिल गया। हाकिमे आला। आओ। सुभानका ला इल्म लना, या अल्लाह, तेरे दरबार में देर है अंधेर नहीं। पर गंदे वतन ज़बक खान ने इस फहान पर छाए हुए मुसीबत के बादल दूर कर दिए और कौम को अमन व अमान की जिंदगी बख्श दी। खुदा हमारे प्यारे ज़बक को उम्र दराज अता करे। वाह कमाल है, सब तरफ ज़बक जिंदाबाद, ज़बक जिंदाबाद। ऐसे हमने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं, बोलो भाइयों, शाहों के शाह खच्चर शाह जिंदाबाद। अरे वाह दोस्त वाह, सारे इस्फहान में एक तू ही कदरदान निकला।